को पिकअप में ले जाना कितना मुश्किल है। देखिए ऊँट जो फैल गया, फैल रहा है, बेकाबू हो रहा है। दोस्तों इसमें गाड़ी में ये ऊँट भरा जा रहा है, इसमें ऑलरेडी एक ऊँट पहले भरा था और अभी ये दूसरा ऊँट है जो किस तरीके से इसको भरा जा रहा है, क्या ये जा पाएगा इस गाड़ी में, वही मैं देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था किस तरीके से इसको भरा जा रहा है। ये देखिए दोनों तरफ इसके पाँव में है जो रस्सा लगाया है, कितना मुश्किल होता है। ऊँट खरीदना आसान है लेकिन इसको घर ले जाना बहुत मुश्किल है। इसका ये जीता जागता मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से ऊँट है जो नीचे की तरफ गिर गया है। क्या ये इस गाड़ी में पहले से एक ऊँट भरा गया था और ये दूसरा ऊँट भी इसमें डालने की तैयारी है। क्या तरीका अपनाते हैं रस्सों के जरिए इसको। इसके गले में रस्सा बांधा गया है, अब इस तरीके से इसको इस गाड़ी में डालने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं यह इस गाड़ी में चढ़ पाता है या नहीं। फिर ये नीचे की तरफ जो लौट गया है, कोशिश नाकामयाब। अब जो दूसरा तरीका इसका अपनाया जा रहा है, आगे के पैर जो वो मतलब इसके तीन पैर कर दिए गए हैं, एक पैर को बांधा गया है। ये होता है गाँव का तरीका ऊँट को कैसे ले जाया जाए। नहीं पा
अब इसकी आंखें भी बंद की जा रही है, ये देखिए तौलिए द्वारा इसकी आंखें जो ढकी जा रही है। अब इसकी आंखें है जो ढक दी गई है और फिर इसको दूसरी तीसरी बार ट्राई किया जा रहा है, क्या ये तीसरी बार में चढ़ पाएगा। देखना यही है कि कौन सा तरीका है इस ऊंट को गाड़ी में चढ़ाने का। पीछे का एक पैर भी बांधा गया है इसका। सही बात है, ऊंट वाले जो पालते हैं वो ही जाने कैसे। अब ये तरीका है जो आजमाया जा रहा है इसका। ये तरीका अब आजमाया गया है इसका, शायद सक्सेसफुल हो सकता है। Oh.
एक ऊंट इसमें पहले से है, अभी देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम है ऊँट को एक्सपोर्ट करना और एक दूसरे स्थान पर गाड़ी में ले जाना। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, वो पैदल ही जा सकता है और बड़े आराम से। गाड़ी में एक्सपोर्ट करना बहुत थोड़ा मुश्किल रिस्की काम होता है, ऊँट को चोट लग सकती है और उसके साथ जो ले जाते हैं उनको भी चोट लगने का आसार रहता है। ऊँट पूरी तरह से डरा हुआ है ये, बस अभी इसको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। ऊँट बैठ गया है और ये दोनों ऊँट है, ये देखिए दोनों ऊँट है जो बैठ गए हैं और अभी आराम से घर चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पशु अत्याचार नहीं है, मैं आपको तरीका ओनली मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से इसको ले जाया जाए। थैंक यू।